श्री गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़, चुरू, झुंझुनू, जैसलमेर, इन ज़िलों की भर्ती 2020 के अंतर्गत होनी है, जो उसका प्रोग्राम आ चुका है। लॉकडाउन की वजह से इसका प्रोग्राम काफ़ी पीछे चला गया, जबकि ये भर्ती पहले होनी थी। ये किस ईआरओ के अंतर्गत आनी है, कहाँ भर्ती होनी है, क्या इसका क्वालिफिकेशन है, कौन कौन बच्चे, किस किस कैटेगरी बच्चे इसमें भाग ले सकते हैं, उसका पूरा जानकारी मैं आपको दूंगा। इससे पूर्व यदि आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करते हुए इसका बेल आइकॉन दबाएं, जिससे आगे आने वाली हर जॉब न्यूज आपको मिल सके। अभी चलते हैं इसका पूरा विवरण के बारे में। ये भर्ती है राजस्थान के अंदर, जो कि झुंझुनू ईआरओ के अंतर्गत आती है। इसके अंतर्गत आने वाले जो ज़िले हैं वो हैं राजस्थान राज्य के सेना भर्ती कार्यालय झुंझुनू के क्षेत्र के तहत सेना भर्ती भर्ती झुंझुनू, चुरू, हनुमानगढ़, बीकानेर, श्री गंगानगर और जैसलमेर ज़िले हैं। इन सभी ज़िलों के बच्चे उचित समय जो टाइम दिया हुआ है, डेट दी हुई है, उससे पहले आप इसका पंजीकरण करा दें। इसके अंतर्गत जो आपकी आयु है वो आयु इस प्रकार है, आपका आयु 17.5 साल से लेकर के 21 साल तक जीडी के लिए और 17.5 से 23 साल तक टेक्निकल ट्रेड्समैन के लिए और 19 से 25 साल नर्सिंग फार्मा के लिए ज़रूरी है। इससे कम ना हो ना ज़्यादा, इसके बीच में मतलब ये भर्ती जो एज है आपका 17.5 से 21 साल जीडी के लिए और 17.5 से 23 साल टेक्निकल और ट्रेड्समैन के लिए और एसकेटी क्लर्क इसके लिए है। अभी इसके अंतर्गत तो होने वाली जो भर्ती हैं सैनिक जनरल ड्यूटी यानी जीडी की, ट्रेड्समैन, एसकेटी क्लर्क, टेक्निकल, धार्मिक शिक्षक, नर्सिंग असिस्टेंट इत्यादि, इसका जो पूरा प्रोग्राम यानी कब कब क्या क्या कार्रवाई करनी है आपको उसको याद रखना है। आपका ऑनलाइन आवेदन आपको अगस्त लास्ट या सितंबर फर्स्ट वीक में शुरू हो जाएगा और आपका ये जो एडमिट कार्ड है वो अक्टूबर के महीने में आपको मिलना शुरू हो जाएगा। अब इसकी भर्ती का जो डेट है वो 7 अक्टूबर से लेकर के 17 अक्टूबर 2020 तक है। ये टेंटेटिव डेट है यानी प्रस्तावित डेट है। कोरोना यदि चलता रहा तो ये डेट आगे या पीछे भी हो सकती है, इसलिए आप इसको मद्दनज़र रखते हुए आप हमारे यूट्यूब से संपर्क बनाए रखें, जिससे आपको हर भर्ती के बारे में आपको पता चलता रहे। और ये भर्ती सरदार शहर में होनी है, जो कि जिला आचार्य भर्ती चुरू, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ भर्ती जो स्थान बताए गए हैं जिस जिले भर्तियों उन जिलों के बच्चे इसमें भाग ले सकते हैं। अभी इसमें पूरा जो कार्रवाई है आपकी, क्या क्या कार्रवाई होती है इसमें, वो इस प्रकार है। सबसे पहले आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, फिर एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, फिर आपको टेस्ट होगा फिजिकल फिटनेस टेस्ट का, फिर शारीरिक माप परीक्षण होता है, डॉक्यूमेंटेशन, फिर मेडिकल, उसके बाद में अनफिट मेडिकल उम्मीदवारों की दोबारा मेडिकल, सेना भर्ती परीक्षा सीई बोलते हैं इसको, मेरिट लिस्ट तैयार करना और लिखित परीक्षा के परिणाम की घोषणा, ये पूरी कार्यवाही इसके अंतर्गत होती है। अभी जो इसका ऑनलाइन आवेदन या पंजीकरण, इसके nic.in पर जाकर के आप भर सकते हैं, यानी joinindianarmy.nic.in पर जाकर के फॉर्म भर सकते हैं। ये भर्ती इस साल की ये लास्ट भर्ती होगी, क्योंकि वैसे पहले भर्ती होनी थी मगर कोरोना की वजह से नहीं हो पा रही है। और इस भर्ती का जो डेट है वो भी टेंटेटिव डेट है, प्रस्तावित डेट बोलते हैं इसको। अभी बात करते हैं आपको डॉक्यूमेंट की, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं, तो सबसे पहले बता देता हूँ आपको डॉक्यूमेंट 10th से लेकर के 12th तक जो डॉक्यूमेंट हैं वो ओरिजिनल, इसके बाद में आईडी प्रूफ आपका, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, लेटेस्ट पासपोर्ट साइज की फ़ोटो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र, अविवाहित प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, एनसी सर्टिफिकेट, रेशन सर्टिफिकेट, और इसके साथ में और जो भी आपके पास कोई सर्टिफिकेट है एजुकेशन का उसको लेकर के साथ जाना है। साथ ही उनका फोटोकॉपी पक्का याद पक्का साथ रखें, क्योंकि फोटोकॉपी वहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है। अभी हाइट की बात करते हैं, सोल्जर टेक्निकल, सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट,
ऊंचाई 170 सेंटीमीटर और क्लर्क की ऊंचाई 162 सेंटीमीटर मांगी जाती है। राजस्थान राज्य के यदि टीए की भर्ती के लिए उम्मीदवारों की हाइट 160 सेंटीमीटर होती है। वजन आपका हर कैटेगरी के लिए 50 केजी और सीना 77/82 होता है। इसके साथ में छूट की बात करते हैं तो सर्विसमैन के बेटे, पूर्व सैनिक के बेटे, युद्ध विधवा के बेटे, इन सभी को हाइट में 2 सेंटीमीटर, वजन में 2 किलो और चेस्ट में 1 सेंटीमीटर छूट होती है। इसके साथ साथ खिलाड़ियों के लिए भी हाइट में 2 सेंटीमीटर, वजन में 5 किलो, चेस्ट में 3 सेंटीमीटर। ये जो आपकी हाइट यानी शरीर का फिट मेजरमेंट में जो छूट होती है वो है। इसी के साथ में एक चीज़ और होता है, आपका योग्यता यानी आपको क्या आपका क्वालिफिकेशन योग्यता होनी चाहिए तो बता देता हूँ आपको मैं। सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए आपको 10th पास, जो कि किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थानों से होना चाहिए। इसके साथ ही आपका जो परसेंटेज है 33% लेकर के 40% तक, और टेक्निकल के लिए 10+2 प्लस PCM या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ में 10+2 होना चाहिए। इसमें आपका 40% मिनिमम और एग्रीगेट 50%। नर्सिंग असिस्टेंट के लिए आपको बायोलॉजी के साथ में 12th पास, और क्लर्क SKT के लिए कोई सब्जेक्ट नहीं है, उसके लिए आर्ट्स कॉमर्स साइंस का कोई भी बच्चा उसमें भाग ले सकता है, मगर उसमें आपका इंग्लिश का ज्ञान और टाइपिंग ज्ञान ज़रूरी है। यह है इनका क्वालिफिकेशन। ज़्यादा जानकारी आपके इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के भी आप पढ़ सकते हैं, पूरा उसमें दिया हुआ है। मगर एक बात बताना चाहूँगा आपको, मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि हर भर्ती में कोई ना कोई एजेंट आपको मिल जाएगा जो कि बोलेगा आपको कि मैं आपको दौड़ भी नहीं करने दूंगा, मैं आपको टेस्ट भी नहीं पास टेस्ट में नहीं बैठने की जरूरत नहीं है, मैं पास करा दूंगा, आपको गारंटी है 5 लाख दो, 6 लाख दो, 10 लाख दो। तो आप सभी से मेरा ये रिक्वेस्ट है या सलाह है कि आप किसी के बहकावे में ना आएँ, क्योंकि जो भी एजेंट होते हैं पैसा के चक्कर में आपसे हज़ारों झूठ बोलते हैं। जैसे पैसा उनके पास आ जाएगा फिर बोलेंगे हम अगली भर्ती में करा देंगे, इस भर्ती में हमारा अफसर चेंज हो गया, ठीक है। तो उनका कोई जानकारी नहीं होती कहीं भी, ना कुछ होता है, केवल पैसे ठगने का चक्कर होता है उनका। और यदि वो करते भी हैं तो क्या करते हैं, NCC का सर्टिफिकेट या स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट बनाते हैं वो फर्जी, ठीक है। सी सर्टिफिकेट बनाएंगे NCC का और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट बनाएंगे, उससे क्या है आपको सी सर्टिफिकेट बना देंगे तो आपको GD में टेस्ट में बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके साथ में स्पोर्ट्स का बनाएंगे तो कुछ परसेंट 15% 20% जो नंबर GD का बनाएंगे, मतलब GD में आपको NCCC सर्टिफिकेट है तो आपको उसमें टेस्ट में बैठने की जरूरत नहीं है। उसका स्पोर्ट्समैन है तो आपको 10% 20% जो नंबर छूट होते हैं वो मिलेंगे इससे। मगर चलो आप नौकरी लग भी जाते हैं तो बाद में जो डॉक्यूमेंट चेकिंग होता है आपको ट्रेनिंग में या उसके बाद का भी डॉक्यूमेंट चेकिंग होगा तो आप उसमें फंस सकते हैं। यदि फंस गए वहाँ पर 420 में आप अंदर जेल जाओगे और आपकी नौकरी छूटेगी और बेइज्जती होगी और पैसा भी जाएगा। इसलिए आप किसी के बहकावे में ना आएँ, अपने बलबूते पर, अपनी क्वालिफिकेशन के आधार पर, पढ़ाई के आधार पर आप आगे निकलें और उसी से आपको संतुष्टि होगी, उसी से आपका आगे का फ्यूचर निर्धारित होगा। इसलिए अभी से तैयारी करें, काफ़ी समय है आपको, अभी दौड़ना और पढ़ाई करना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना आप दौड़ते हैं, कितना मेहनत करते हैं, कितना पढ़ाई करते हैं। और कोरोना से बच कर रहें, अपने सभी परिवार वालों को, अपने साथियों को इसके साथ में बताएं, इसके बारे में पूरा बताएं कि आप कैसे बचा जाए और इसके कैसे तैयारी की जाए। थैंक यू, बाय बाय।